अंतरराज्यीय चोरों का गैंग गिरफ्तार। यूपी के बांदा में ऑपरेशन कालीन के तहत कार्रवाइयों को सिलसिला जारी है। आज भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग को 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सदस्यों में एक महिला गैंग सदस्य भी पुलिस के हत्थे लगी है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से पुलिस ने लाखों रुपए नकद और लाखों के जेवर और एक कार भी बरामद की। बांदा पुलिस को यह सफलता अंतरा कस्बे से मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक डिजायर कार में सवार चोर गैंग के एक महिला समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से तकरीबन 1,00,000 नकद और 4,00,000 के जेवरात और एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। गिरफ्तार गैंग सदस्य मध्य प्रदेश के जनपद राजगढ़ के रहने वाले हैं और यूपी के बांदा और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को ही अंतरा के एलिट मैरिज हॉल में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें यही गैंग शामिल था और इसी गैंग ने 4 माह पूर्व बबेरू में भी एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस गैंग ने यूपी के कई हिस्सों में अपना नेटवर्क बना रखा है और अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में भी इस अंतर्राज्यीय गैंग के लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसी कड़ी में आज बांदा में यह गिरफ्तारी की गई है और इनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। जल्दी इनको पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये थाना अतल्ला की पुलिस ने रात में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, पकड़ा है, जो टप्पेबाजी करते थे शादियों में, जो दुल्हन की माँ या दूल्हे की माँ के पास गहने वगैरह होते थे, एक विशेष प्रकार का पाउडर छिड़क करके, और जब वो खुजलाने में व्यस्त हो जाती थी तो उसका पूरा पर्स गायब कर देते थे। लगभग 4,00,000 के आसपास गहना वहाँ से चोरी किया था। इसके अलावा ये गैंग जो है टप्पेबाजी में माहिर है। थाना बबेरू अंतर्गत जनवरी माह में एक व्यक्ति पैसा जमा करने गया था, जिसका इन्होंने झोला पार कर दिया था। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किया गया है। ये बेसिकली जो मुलजिम पकड़े गए हैं ये राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कड़िया सासी जाति के हैं और ये अपराधी किस्म की प्रजाति है, जो पूरे 12 महीने जनपद प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर अपराध करते हैं। इन लोगों को जो पकड़ा गया है, ये 1,000 रुपये की गाड़ी इन्होंने हायर की थी प्रतिदिन के हिसाब से, और उसके बाद घूम घूम करके अलग अलग जिलों में वारदातें कर रहे थे। जिसकी गाड़ी थी क्या उसको भी पकड़ा गया? नहीं, उसको क्या मालूम कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, इसलिए उसको नहीं पकड़ा गया। सर, इसमें कितने लोग हैं? इसमें अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व प्रयागराज में भी इसी गैंग के कई लोगों को पकड़ा गया था, जेल भेजा गया था, उसी क्रम में हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। जनपद में इन्होंने एक ही थी और अभी तक 2 घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें लगभग 1,00,000 रुपये कैश बरामद हुआ है दोनों घटनाओं का, और लगभग 3 से 3.5 लाख की जेवरात बरामद हुई है। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।